11 in my life. 11 आदमी मार दी भाई ने सच्ची 11 आदमी माथा काट के मैंने ले लिया. सुनो सुनो, मैंने 11 आदमी माथा काट के ले लिया. मेरे घर में वो हार्टी रख के है, पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे भाई. आप ही काट लेंगे आप नहीं. मरते मरते बच्चा. गुड मॉर्निंग दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते टू ऑल. कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए. मैं भी यहाँ मस्त हूँ. अपने साथ दिगांता भाई मस्त हैं, उठ चुके हैं, चलते हैं उनका भी हाल पूछते हैं. और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, रात क्या वो तो सुबह ही हो गए ना. सुबह के 4 बजे तक हम यहाँ पहुंचे थे, मतलब इस लोकेशन पे कोई मां से सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर पीछे. और जहाँ हमें जाना है, मतलब की हेरिटेज विलेज, वहां से कम 25 किलोमीटर पीछे है. और बहुत आराम से एक जगह मिल गई थी शेड, जो आर्मी का ही मतलब कैंप टाइप का था. और वहां हमने टेंट लगा के आराम से सो गए. सुबह उठे, आर्मी वालों ने भी परेशान नहीं किया, मतलब वो आ गए थे पर उन्होंने उठाया नहीं हमें, कुछ भी नहीं कहा, 1% भी नहीं कुछ कहा कि उठ जाओ ये हमारी जगह है ऐसा कुछ. और हम आराम से सोते रहे. बाद में वो चले गए यहाँ से क्योंकि उनका चेक पोस्ट का टाइमिंग खत्म हो चुका था और हम उठ गए. वादियां तो बहुत ही प्यारी थी सुबह उठ के, हमें नहीं पता था ये व्यू पॉइंट है, नहीं तो बहुत ही ज्यादा मजा था यार. सुबह तो सुबह वीडियो बना के देता आपको तो मजा आ जाता आपको. गुड मॉर्निंग दिगांता भाऊ. गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? बस बढ़िया. रात को नींद कैसी आई? भाई वीडियो एडिट करते करते लेट हो गया बहुत ज्यादा. मैं तो आपको थोड़ा बहुत सो गया, मतलब अंधेरा में पूरा रोशनी हो गया. 7 बजे करीब सोया. 7 बजे करीब सोया, बताओ. एडिट करते करते सुबह 7 बजे, 4 बजे से एडिट किया, 3 घंटे एडिट करने में लग गए भाई को. हो जाता है, काफी लेट हो जाता है. फटाफट सामान पैक करते हैं क्योंकि हम भी लेट हो जा रहे हैं, नहीं तो हॉर्नबिल फेस्टिवल की स्टार्ट होने से लेट हो जाएंगे. तो जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं, स्टार्टिंग तो देख लेते हैं ना मजे से. जब इतना दूर से आए तो स्टार्टिंग भी देखना बनता है ना. सो भाई सामान तो हमारा काफी है और ऊपर से 2 आदमी एक्टा पे अत्याचार हो रहा है इस बार. पर क्या कर सकते हैं यार, मैं तो बाइक नहीं चला सकता तो मुझे तो बैठना ही पड़ेगा पीछे, ज्यादा लंबे रूट पे नहीं चला सकता तो कोई दिक्कत नहीं है. अपन ना थोड़ा सा आगे जाके ना अभी चाय वाय पीने वाले हैं और मुंह हाथ भी धोने वाले हैं ढंग से. तो यहाँ घूमने तो मजा ही अलग है यार, बिल्कुल मौसम प्लेजेंट है, ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है ना. दिखाता भाऊ पूरा हरियाली हरियाली. वापस केले के पेड़ दिखने लग गए हैं ऊपर, नजर आ रहे हैं आपको. और यहाँ ना पाइनएप्पल बहुत सस्ता है, रात में पाइनएप्पल खुले में पड़ा हुआ था, अगर किसी को चाहिए होता तो उठा के ले जाता, पर हमने बोला नहीं हमें नहीं चाहिए, हम पैसे दे के लेंगे, है ना दिखाता भाई. अभी आए खरीद के खाएंगे पाइनएप्पल. पाइनएप्पल यहाँ का बहुत मीठा होता है ऐसा दिगांता भाई बता रहे हैं. सो दोस्तों मैं पेट्रोल पंप पे रुका था पगड़ी बांधने के लिए, पगड़ी वगड़ी बांधी मस्त, और जैसे ही मैं बाहर आया देखो मुझे कौन मिला. मेरे को मिल चुका अपना भूला बिछड़ा हुआ भाई, लेकिन आज नए पगड़ी नहीं बांधा हुआ है, नहीं तो फिर दिखता पूरा सनी देओल का बेटा. नमस्ते नमस्ते, कहाँ जा रहे हो? हॉर्नवेल जा रहा हूँ, टहले निकले सुबह सुबह. चलते ये भी भाई हमारे साथ हॉर्नवेल ही जा रहा है, रास्ते में मिल गया. वैसे तो मुझे पता था हॉर्नवेल मिलने वाला पर रास्ते ही मिल गया. चलते लेट हो गया. मेरे कल स्लीपिंग में खरीद रहा था. चलो रात को सोने की जुगाड़ देख रहा था भाई.
सो दोस्तों ये जो देख रहे हो ना आप, ये पूरा कोहिमा शहर है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और काफी ठंडक भी है यहाँ पे। पहाड़ के ऊपर आप देख सकते हो बादल कितने बढ़िया से आए रखे हैं। अरे वाह, ऐसा लग रहा है ना जन्नत के आसपास है हम। सो ये जो आप देख रहे हो ना, ये कोहिमा शहर है और नागालैंड का ना कैपिटल है, मतलब पूरा नागालैंड का हेड समझ लो। और काफी बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा। मैंने पीछे से वीडियो नहीं बनाया, तो आपको दिखा दो, काफी बड़ा और पूरा पहाड़ की चोटी के ऊपर बसा हुआ है एक लाइन में। सो वेलकम टू नागा हेरिटेज विलेज। चलते हैं अंदर, बहुत प्यारी प्यारी चीजें देखने वाली है आज जिंदगी की, मतलब कि जो चीजें हमने आज तक एक्सप्लोर नहीं करी है ना, वो देखने वाले हैं आज हम। दुनिया आई हुई है यहाँ पे हॉर्नबिल पे, देख सकते हो कितना क्राउड है। सो यहाँ से एंट्री ठीक है नागा फेस्टिवल के लिए, और काफी सारे लोग अपने ट्राइबल कपड़े पहन के आए हुए हैं। और मैं ये सोच रहा था कि यार मैं लेट हो गया, पर 4 बजे से फेस्टिवल स्टार्ट है, मैं तो जल्दी आ गया, 12 बज रहे हैं। तो यहाँ सारी विंटेज कार्स दिख रही हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुई थी, क्योंकि वो कोहिमा से ही गए थे वर्ल्ड वॉर 2 पे, तो सारी विंटेज कार्स यहाँ पे हैं। और इस ट्रक को देखना जरा, क्या एग्रेसिव दिख रहा है ना, है ना कुछ डिफरेंट। ऐसे ही बहुत सारी और भी चीजें डिफरेंट है, मतलब यहाँ के लिए ना स्पेशल 5 या 6 दिन चाहिए व्लॉग बनाने के लिए। इतना बड़ा व्लॉग बन जाएगा ना कि आप भी परेशान हो जाओगे, लेकिन ये चीज तो कुछ अलग ही है, डिफरेंट है, खतरनाक। अलग ही दिख रहा है ट्रक, है ना। कब का है पता नहीं। हम जन्म से पहले होगा, आपके जन्म से पहले होगा, मेरे भी जन्म से पहले होगा, मेरे पापा के जन्म से भी पहले होगा शायद। सो इस जीप को तो आपने पहले मेरे व्लॉग्स में देखा ही होगा, विलीज जीप। हमने वर्ल्ड वॉर 2 में जो यूज हुई थी ना, वो पहले भी देखी थी, एक हेरिटेज व्हीकल्स एरिया में गए थे जो गुवाहाटी के बिल्कुल पास था, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो लैंड रोवर है ये, उस टाइम की पूरी मेंटेन्ड है, मेन बात ये है, इतनी मेंटेन्ड तो गाड़ी बाकी भी नहीं देखी हमने, लैंड रोवर जितनी ये मेंटेन्ड है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की लैंड रोवर यार, इमेजिन कर सकते हो, अभी तक मतलब बिल्कुल सही कंडीशन में है यार। चलते हैं ऊपर ना, पूरा विलेज है और यहाँ ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाकी सामान है, बाद में दिखाएंगे आपको दूसरे व्लॉग में, अभी ऊपर चलते हैं सीधा। और पहाड़ के बीच ना बड़ा ब्यूटीफुल सा लिखा हुआ है नागा हेरिटेज विलेज, वाओ है ना, जैसे हॉलीवुड लिखा होता ना पहाड़ों के बीच में। सो यहाँ से एंट्री है नागा हेरिटेज विलेज की, जहाँ पे फंक्शन होने वाला पूरा। सो यहाँ लगी हुई स्टेज, सो विंडो टू नागालैंड। और यहाँ पे ना एक ही जगह पर सारे ट्राइब मिलने वाले, मतलब एग्जैक्टली 9 ट्राइब्स तो आ रहे हैं, बाकी ट्राइब्स का भी पता नहीं, कंफर्म नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, पर 9 ट्राइब्स तो हम एक ही जगह पे एक साथ देख सकते हैं। तो हॉर्नबिल ना एक पक्षी का नाम है, वो जो आपको ऊपर दिख रहा है उस पक्षी का नाम है हॉर्नबिल। काफी ब्यूटीफुल स्टेज है और काफी ब्यूटीफुल एरिया यार, ओ काफी यूज है स्टेज भी। हॉर्नबिल 2022, मैंने नहीं सोचा था कि टूरिस्ट भी आ रखे होंगे यहाँ पे इंडिया से बाहर से एक्सप्लोर करने के लिए। तो यार जनरली तो ना बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है, क्योंकि कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है यहाँ का, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वुड के ऊपर चारों तरफ कार्विंग हुई हुई है अगर आप देख सकते हो तो, और बहुत सारे अलग अलग मतलब ब्रांड्स के स्टेजेस बने हुए हैं देख सकते हो आप, बहुत तगड़ा स्पॉन्सर किया हुआ है, मतलब जगह बहुत प्यारी है यार, शाम को बहुत मजा आने वाला है, आज शाम को यहाँ पे फंक्शन है। सो एक्सपेक्टेड था कि हमें हमारा भाई मिलने वाला है यहाँ पे, पर बड़ी जल्दी मिल गया, मतलब मुझे लगा था शाम तक पहुंचेंगे, पर सुबह से ही यहाँ पे थे। कब पहुंचे आप? मैं भाई 3 दिन हो गए मेरे यहीं पर, मतलब फेस्टिवल ना। सो भाई अब तो बहुत एक्साइटमेंट वाले मजा आने वाले फेस्टिवल के साथ, अभी थोड़ी देर में चालू होने वाला ना फेस्टिवल, सारे हेरिटेज चीजें देखने वाले हम। सो ट्राइबल लोग अपना गाना गा रहे हैं और वो लोग अभी मतलब डांस करने वाले हैं शायद थोड़ी बहुत देर में ही।
सो हम सेकंड ट्राइब के पास आ व्हाट्स द नेम पोचरी ट्राइब सो इसके बारे में बताना लाइक द कल्चर डिफरेंट लाइक द ड्रेसिंग सेंस इज डिफरेंट एंड द कल्चर we are like in the border of Myanmar near Myanmar so border of Myanmar ke paas rehte hai log aur so pura dress up pura different hai inka bhi so can you stand for a second aap ek minute khade ho sakte hain so kya puri different hai inki aur kuch alag hi nazar aa rahi hai even inke paas na this is like the dao different from other tribe kafi alag hai different tribe hai और दाव भी जो है ना इनका पूरा अलग है शेप में बेसिकली बाकी लोगों का दाव अलग होता है काफी डिफरेंट है ऐसी और भी ट्राइब्स हैं आगे दिखाता हूँ आपको इन्हीं ट्राइब का ये पूरा होम है अंदर चल रहे हैं देखने सो लेडीज ड्रेस ऐसा पहनती हैं सो इनकी ड्रेस पूरी अलग होती है बाकी लोगों से भी थैंक यू ट्रेडिशनल होता है सो ये इनके कपड़े हैं जो ट्रेडिशनली पहनते हैं बेसिकली और ये सारे इनके आर्नमेंट्स हैं जो यूज करते थे पहले वॉर में इवन वर्ल्ड वॉर टू में भी इन लोगों ने पार्ट किया है वाओ और ये पूरा वुड पे ना क्राफ्ट हुआ है बहुत प्यारा ग्यारह आदमी मार दी भाई ने सच्ची ग्यारह आदमी पाठक काट के मैंने ले लिया सुनो अच्छा मैंने 11 आदमी माथा काट के ले लिया मेरे घर में वो हाथी रख के है पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे भाई आप ही काट लेंगे आप नहीं मरते बच्चा अच्छा ये बताओ ट्राइब का नाम क्या है मेरा ट्राइब का वो आउट ड्राइव बहुत बढ़िया और ये भाई जी ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया मतलब एक्टिंग तो इतनी तगड़ी करते ना माशाल्लाह शाहरुख खान जैसा है मस्त है थैंक यू सो मच नाइस टू मीट यू तो ये उन्हीं ट्राइब के घर हैं कुछ इस स्टाइल के होते हैं देख लो है ना कुछ डिफरेंट तो नीचे से चले थे हम और तीन चार ट्राइब के घर क्रॉस करते करते ऊपर आ चुके हैं और ऊपर और भी अलग अलग ट्राइब के घर हैं और सब अपना कल्चर भी बता रहे हैं बड़ा मजा आने वाला ऊपर चलते हैं और सो इस ट्राइब से कोई भी नहीं आया तो मैंने जैसे कहा था ना कुछ ट्राइब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इस बार सो ये सारी ट्राइब्स ना एक स्टेज पे आने वाली और वहां पे पूरा फंक्शन होने वाला है तो उसी तरफ चलते हैं सीधा सो दिस इज रिंगमा ट्राइब और इनका ट्रेडिशन भी पूरा अलग है देख रहे हो ना आप सो वो अपनी ड्रेस के बारे में बता रहे हैं सारा In our language, you call this our ayatobin. Necklace. And this word, take care, we call it nusuku. Nusuku. Okay. This word is akwikohon. In our language, akwikohon. Okay. And this one is atrikohon. Atrikohon. So, मुझे तो नहीं लगता मैं वर्ड्स भी बोल पाऊँ इतने खतरनाक वर्ड्स हैं। Something about your dress? आपकी ड्रेस के बारे में? For me, this is akishtikohon. Okay. Are you topi? Okay. Where do you live? Where is your tribe located? Our tribe is Rengma. Place is Chimnor. Yes, Chimnor. So Chimnor rehte hain log basically. Part of Nagaland, right? It would be. So chalte inka ghar dekhte hain andar se. जैसे अरुणाचल में ना पूरा हट बनता ना बिल्कुल उसी शेप में दो फ्लोर ऊपर ईटिंग से बनाते हैं खाना वैसे ही और उनका जैसे पीठ पे बांधने वाला सामान है सारा अरुणाचल में वैसा ही सेम है सिमिलर है कुछ सो अभी ना फंक्शन होने में कम से कम आधा घंटा होगा या एक घंटे से ज्यादा होगा मतलब टोटल 4 बजे के आसपास होगा और काफी टाइम पड़ा था तो मैं तो यहाँ आया था चाय पीने और दिगंता भाव ने कुछ स्पेशल मंगाया भाई ये बेम्बू ग्लास में ना यार पता है क्या यहाँ की ट्रेडिशनल बियर है अरे वाह मैं तो नहीं पीने वाला हूँ भाई क्योंकि मम्मी ने देख लिया ना इस वीडियो को तो फिर तो जान से मार देंगी क्या फायदा है इससे अच्छा जीवित रह लो ज्यादा बढ़िया है अपनी चाय खत्म हो चुकी है एक चाय और ऑर्डर कर लेंगे अपने लिए लेकिन
बियर नहीं पी पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बियर का, लेकिन मुझे बियर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा यार, मैंने ऐसे कभी नहीं देखा लोगों बियर पीते हुए ए, ट्राई करके बताओ ना कैसा है, टेस्ट करके बताओ ना। अच्छा है लोकल, आप लोग मत ट्राई करना क्योंकि ये तो यहाँ का ट्रेडिशन है, इसलिए ट्राई करके देख रहा है दिगंत भाऊ, वैसे नहीं पीता है। सो हमें लोकल यहाँ से भैया मिले थे, पीछे पी के नाम है भैया का, तो भैया भी हमारा इंतजार कर रहे थे, सुबह से इंतजार कर रहे थे। सो भैया हमें मिल गए थे टाइम से और भैया ने काफी चीजें हमें बताई, मतलब अभी 4 बजे चालू होगा फंक्शन, 2 घंटे पड़े हैं, तो वीडियो भी मेरे को लगता है काफी लंबा हो गया। दूसरे वीडियो में आपको पूरा फंक्शन दिखाएंगे, उसमें ना चीफ गेस्ट भी आने वाले। कौन आने वाला भैया? प्रेसिडेंट आने वाला, राइट? गवर्नर, प्रेसिडेंट, कोई ना कोई चीफ गेस्ट आने वाला है, तो 4 बजे से पहले फंक्शन चालू नहीं होगा, तो 4 बजे आपको पूरा फंक्शन दिखने वाला है, मतलब 4 बजे आपका नहीं, कल सुबह आपको पूरा फंक्शन दिखने वाला है, तो वीडियो के लिए भी इंतजार करना। और ये वाला वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना क्या क्या पसंद आया, तो मैं कल और बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के लाऊंगा। सबसे पहले वीडियो पहुंच रहा है आप लोगों के पास नागालैंड का, मतलब इससे पहले किसी ने डाला अभी तक इस फेस्टिवल का।